हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? सर वो जो आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ बनाया था ना सर, वो एक बार फिर से रिपीट करेंगे? ग्राफ इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। जब भी आप ग्राफ की बात करते हो तो ग्राफ इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ कह रहा होता है। मैं भी उसी को समझाऊंगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें, ग्राफ अपने आप में एक भाषा है, वो एक अलग लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में आपको कुछ समझाया गया, बस वो लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए। तो ये लैंग्वेज यहाँ क्या बता रही है कि ये इस एक्सिस पे मैंने प्लॉट की पोजीशन, मान लीजिए कोई बॉडी, प्लस ए और माइनस ए क्या है? हाँ वही बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए ये बॉडी इस एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, तो पोजीशन ओ है मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है इक्विलिब्रियम। यहां से ये चलने लगी, यहां तक चलते 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 जैसे ये दूर जा रही होगी इसकी स्पीड कम हो रही होगी, तो ये यहां तक पहुंच पाई सिर्फ प्लस ए तक, फिर वहां से इसने वापस आना शुरू कर दिया। अब मीन पोजीशन पे आई तो यहां पे क्या होता है कि मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगी, इतना मोशन एक्वायर कर चुकी होगी बॉडी, इतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी कि रुक नहीं पाएगी, ये इसको ओवरशूट करके यहां चली आती है। फिर ये आ गया माइनस ए, अब ये बॉडी लगातार प्लस ए और माइनस ए इन लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है? तो ये जो प्लस ए या माइनस ए है, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन। इसी को हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जहां तक ये बॉडी गई। जैसे ये पेंडुलम के केस में मैंने आपको ए और बी वैसी पोजीशंस दिखाई थी, प्लस ए पोजीशन और बी पोजीशन, ठीक है? तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं इसकी ऑसिलेशन के दौरान, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। समझ आया? यस सर। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे बेटा जब ये बॉडी जाती है, देखो ऑसिलेटरी मोशन तभी स्टार्ट होता है जब वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स हो। वो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आप राइट को लेके जाओगे, बॉडी लेफ्ट को आने की कोशिश करेगी, आप इसको लेफ्ट को लेके जाओगे तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट एक्ट करेगी। और ये स्प्रिंग की तरह ही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जैसे जैसे आप इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते जाओगे, बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यहां पे आके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यहां पे भी इस एक्सट्रीम पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे जैसे मीन की तरफ जाओगे पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। तो ये मीन पोजीशन है जीरो पोजीशन। देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मैंने रेड कलर से बनाया है और ग्रीन कलर से बनाया है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो देखो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पीक पे है और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक जीरो है। पोटेंशियल की बात करें तो ये मीन पे जीरो है और एक्सट्रीम पे पीक पे जा रही है। अब क्लियर हुआ? ठीक यस है, अच्छे से क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके तो ये थी बेटा स्प्रिंग। हालांकि ये चीजें दोबारा आपको पढ़नी है एसएचएम में, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा चलिए, हाँ अब उसके बाद जो मैं चीज आपसे डिस्कस कर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी का साइन अगर पॉजिटिव है तो क्या इंडिकेट करता है, अगर नेगेटिव है तो क्या इंडिकेट करता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव है, देखो बेटा ये एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स में आप जानते हैं साइन नेगेटिव होने का मतलब होता था डायरेक्शन का ऑपोजिट होना, लेकिन स्केलर्स में भी, स्केलर क्वांटिटीज भी नेगेटिव साइन एक्वायर कर सकती हैं, मगर यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन नहीं होता, यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब होता है वैल्यू का लो होना। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की नेगेटिव आ रही है तो दैट सिंपली इंडिकेट सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम। सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ऑपरेटिंग, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ऑपरेटिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको चार्जेस के सिस्टम के लिए, अगर दो चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, तो इनके केस में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला बताया था, दैट इज के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर। और वहां पर मैंने ये चीज कही थी कि अगर चार्ज के साथ नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइन लगाना जरूर। अब आप देखो ऑलरेडी आप जानते हो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो ये रिपेल करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी ये रिपेल करेंगे, इजंट इट सो? ये तो आप जानते हैं। और अब क्यू वन क्यू टू दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा।
बट मान लो एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, फिर तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अब फॉर्मूले में साइन पॉजिटिव लगाओ और दूसरे का नेगेटिव लगाओ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं? यस ठीक है, तो नेगेटिव साइन आने का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस का ऑपरेट होना। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर की फोर्स है? अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स, यस और नो? अच्छा, ग्रेविटेशन में रिपल्शन भी होती है क्या? नो सर, अट्रैक्शन ही होती है ना। नो सर, यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एक ऐसा ही फॉर्मूला है। जी माइनस साइन लगेगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर लिखो, या कई बार हम लिखते हैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो यहाँ फॉर्मूले में ही साइन नेगेटिव आ जाता है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले पे, कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्रेविटेशन में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो यहाँ एक बॉडी है, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैं डिटर्मिन करना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली ये इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये इस बॉडी और अर्थ के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इन दोनों के सेंटर्स के बीच में सेपरेशन आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। फॉर्मूला इसी से मिलता जुलता है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो फॉर्मूले में ही साइन नेगेटिव आ जाता है। ये फॉर्मूला अभी आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशन में, यहाँ सिर्फ रिलेट करवा रहा हूँ कि नेगेटिव साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स द सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑपरेटिंग। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट कर रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर। गुड, तो ये चीज आ गई पोटेंशियल। तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी हम डिटरमिन कर रहे थे, आप जो अर्थ और उसका बता रहे थे ऑब्जेक्ट का, सर उसमें तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब ग्रेविटेशनल जो बता रहे थे आप। हाँ, वो भी सिस्टम की है, लेकिन मैंने वहां पे ये चीज कही कि वहां पे हमने अपनी अजम्पशन बदली है। हमने अपनी अजम्पशन में क्या चेंज लाई? पहले एक्चुअली जीरो कहाँ होता है, मैं ये भी बता। तो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की जीरो किसी की भी कहाँ होगी? जब ये बॉडी आप इनफाइनाइटली अवे ले जाए अर्थ से, जहां अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड ही ना, अर्थ इसको अट्रैक्ट ही ना कर पाए, वहां जाके इस बॉडी को छोड़ दे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जीरो से, अब जैसे से हाइट कम होती है, तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इंफिनिटी पे वैल्यू जीरो है, ये अर्थ है, इंफिनिटी पे आगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस बॉडी की कितनी है? जीरो। तो जैसे से हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, कम होगी तो यहां नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है यहां माइनस वन जूल होगी, थोड़ा और नीचे आए तो माइनस टू जूल, माइनस थ्री जूल, माइनस फोर जूल, माइनस फाइव जूल। तो देखो हाइट कम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे बढ़ रही है, बट साइन नेगेटिव है ना, तो माइनस फाइव माइनस फोर से बड़ा थोड़ी है, तो छोटा है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन अगर हम जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक आए, ये माइनस थ्री वाले लेवल तक आए, माइनस फाइव से माइनस थ्री वाले लेवल तक आए, तो पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? ये होगी माइनस थ्री में से आप माइनस करेंगे क्या, माइनस फाइव, तो क्या हो गया, माइनस थ्री प्लस फाइव, यानी कि कितने, दो जूल। ठीक है, समझ आया ये? अगर आप यहां से बॉडी लेकर आते, दो जूल बड़ी, तो ये जो चेंज है हमारा, जो फॉर्मूला यू इज इक्वल टू एम जी एच, वो उसी चेंज का फॉर्मूला है, क्योंकि ये दो जूल बढ़ गई। तो अगर मैं सरफेस को जीरो लेवल मान लूं, तो इसको वन जूल मानूंगा, इसको टू जूल, इसको थ्री जूल, तो बात तो वही आ गई ना, चेंज उतनी आ रही है। हम सरफेस को जीरो लेवल मान के चलते हैं, तो एम जी एच जो फॉर्मूला है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन अगर एक्चुअल रेफरेंस को लें इंफिनिटी पे जीरो, तो एम जी एच क्या, दैट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉडी सरफेस पे थी और जब बॉडी हाइट एच पे थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आई, एमजीएच वो चेंज है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए आगे, अब बेटा हम एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
कंजर्वेटिव फील्ड भी हम कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं जब वो क्लास ट्वेल्थ में पहुंचते हैं। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। जब वो क्लास ट्वेल्थ में पहुंचते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा मैं, जब वहां पर उनसे डेफिनेशन पूछता हूं तो वो आधी अधूरी बताते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। यू कैन राइट डाउन, अपनी नोटबुक में ऐसे ही टेबल बना लो और उसके आगे लिख लो कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस एक मैं लिखाऊंगा, नॉन कंजर्वेटिव आप खुद लिख पाएंगे। तो राइट डाउन, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, राइट डाउन प्लीज, वर्क डन बाय विच, उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, और अगेंस्ट विच, बाय विच और अगेंस्ट विच, वर्क डन बाय दैट फोर्स और अगेंस्ट दैट फोर्स is independent of path chosen, is independent of path chosen, कैसा रास्ता उन्होंने चुना उस पर डिपेंड नहीं करता, it depends on initial and final positions only, it depends on initial and final positions only. So such forces are said to be conservative forces. अब non conservative को तो खुद लिख पाएंगे ना, work done by which or against which depends on path chosen, depends on path chosen. लंबा path तो ज्यादा work done, छोटा path तो कम work done, ऐसी forces को हम बोलते हैं non conservative. अब कंजर्वेटिव फोर्सेस में मान लीजिए एक बॉडी है, इसको उठा के आप इस पोजीशन से, पोजीशन ए से पोजीशन बी की ओर लेके आ रहे हैं, अगर आप इस स्ट्रेट लाइन पाथ से आते हैं तो वर्क डन अलग हो रहा है, लेट अस से अलग हम एक मिनट, तो अगर ये तीन अलग अलग पाथ हैं, लेट अस से दिस इज पाथ वन, पाथ टू एंड दिस वन इज पाथ थ्री, अगर आप पाथ वन के लॉन्ग बॉडी को लेकर आते हैं तो ये हो गया डब्ल्यू वन वर्क डन, पाथ टू के लॉन्ग लेकर आते हैं तो डब्ल्यू टू, पाथ थ्री के लॉन्ग लेकर आते हैं तो डब्ल्यू थ्री, तो अगर डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू थ्री तो देन सच फोर्सेज आर सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्सेज, उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन या फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो आप पाथ वन चूज करें, पाथ टू चूज करें या इससे भी लंबा कोई और पाथ चूज कर लें, पहले इधर से घूमते हुए इधर से जाके इधर से यहां पहुंचो, सभी केसेस में वर्क डन अगर सेम आए तो ऐसी फोर्सेज को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ चोजन, छोटा पाथ होगा तो वर्क डन कम होगा, लंबा पाथ होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा, ये पाथ वन, ये पाथ टू और ये यहां से घूमते हुए आए तो आपका आ गया पाथ थ्री। तो अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहां पे क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग अलोंग पाथ थ्री जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, वर्क डन इन मूविंग अलोंग पाथ टू उससे कम होगा, वर्क डन इन मूविंग अलोंग पाथ वन ये सबसे कम होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स, या मतलब सॉरी कंजर्वेटिव नहीं बोलूंगा, यहां तो नॉन कंजर्वेटिव की बात आ रही है, फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन या फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन। इज इट क्लियर? अभी एग्जांपल्स दूंगा। यस सर। तो ये मैंने कहा ना, अभी बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें, क्योंकि जब मैं बाद में बच्चों को पूछता हूं तो वो पता क्या बोलते हैं, ये इतना उनको याद होता है, कंजर्वेटिव के केस में इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और इसके केस में डिपेंड ऑन पाथ, इतना याद होता है, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ या पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस, और इसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट, नहीं
ये फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट या पाथ डिपेंडेंट नहीं है. वर्क डन बाय दैट फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन. तो ऐसी फोर्स को बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स. और उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन या उसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन अगर पाथ की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लंबा पाथ तो ज्यादा वर्क, छोटा पाथ तो कम वर्क, तो ऐसी फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. क्लियर हो गया सबको? यस यस. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एटसेट्रा और एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. और यहां पे जितनी भी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी बेसिकली फ्रिक्शन ही होती है, लिक्विड फ्रिक्शन भी हम इसको कहते हैं. लिक्विड जब फ्लो करता है तो एक लेयर अपनी ऊपर से दूसरी लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज करके दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी को हम इंटरनल फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन भी कई बार कहते हैं एटसेट्रा. सच फोर्सेज आर सेट टू बी नॉन कंजर्वेटिव. कॉमन सेंस की बात है, अगर आप छोटा पाथ चूज करोगे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क जो है वो कम होगा, लंबे पाथ से आओगे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क और ज्यादा, और लंबा पाथ तो वर्क डन और ज्यादा आपको करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर हो गया? यस. ठीक है, अभी प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं. चेक तो करें कि वर्क डन जो पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, उस पर बात करते हैं. एक चीज मतलब इससे थोड़ा एक्स्ट्रा अगर मैं आगे बढ़ूं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेके कुछ चीजें आप और याद रख लो. दीज फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस. सेंट्रल फोर्सेस का मतलब होता है ये फोर्सेस एक्ट करती हैं अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स. दीज फोर्सेस एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स. सच फोर्सेस आर सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्सेस. मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के अलोंग एक्ट करे, सच फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस. And all conservative forces are central forces. ये line joining the centers के along act करती है. और एक और property है इनकी, they obey inverse square law. They obey inverse square law. That is, force is inversely proportional to r square. जैसे आपको याद होगा electrostatic forces के लिए formula आपने भी पढ़ा होगा k q1 q2 by r square. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, सेपरेशन डबल करोगे फोर्स 1/4 हो जाएगी. वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए होता है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. तो जनरली दीज फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. फ्रिक्शन की बात करें तो, और न्यूक्लियर फोर्सेस भी बेटा इसी में आ जाती है. न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज. ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के अलॉन्ग एक्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है. नॉन सेंट्रल फोर्सेज जैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रही है? फ्रिक्शन तो अलॉन्ग द सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट एक्ट कर रही है, दैट टू अपोजिट टू मोशन. ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के अलॉन्ग थोड़ी एक्ट कर रही है. नॉन सेंट्रल एंड दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. इज इट क्लियर? याद रहेगा ये? यस सर. ओके, चलिए अब हम बेटा प्रूव करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. एक्सक्यूज मी सर. सर ये सर सेंट्रल फोर्स वाला टॉपिक एक बार समझा दो. बेटा सेंट्रल फोर्सेस मैंने ये बोला कि जब दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स. क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी कुछ ना कुछ. तो अगर वो दोनों बॉडीज के सेंटर्स को आप ज्वाइन करो, अगर उस लाइन के अलोंग वो फोर्सेज एक्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस. मतलब सर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में अप्लाई हो रही है. देखो अर्थ को कोई बॉडी अट्रैक्ट करती है तो वो फोर्स किसके अलोंग, बॉडी के सेंटर और अर्थ के सेंटर के अलोंग एक्ट कर रही है. यस सर. सो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, अगर अट्रैक्ट करेंगे तो इधर, रिपल करेंगे तो इधर, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स के अलोंग ही तो एक्ट कर रही है. यस. सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. मतलब वो सेंटर पे एक्ट कर रहे हैं ना. हाँ ऑब्वियसली. देखो एक्ट तो बेसिकली बॉडी पे कर रही है, फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है.
बट कहाँ की तरफ एक्ट कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स की तरफ एक्ट कर रही है कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है, जब लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स पे एक्ट कर रही है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन वही है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पे एक्ट कर रही है। क्लियर? यस सर। ओके, अब हमें प्रूव करना है ग्रेविटेशन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ से हम एक बॉडी को रेज करके लेके जाएंगे हाइट एच तक, अर्थ के सेंटर से बॉडी का डिस्टेंस पहले भी कुछ ना कुछ है, कितना है, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, बॉडी सरफेस पे रखी गई है, इसको उठा के हम हाइट एच तक लेकर जाएंगे, इस बॉडी को उठाकर हमने इस बॉडी को उठाकर हाइट एच तक लेके जाना है। हम चेक करते हैं वर्क डन कितना होगा कुछ अलग अलग केसेस में। एक केस में इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेके जा रहा हूं मैं सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरे केस में किसी इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग लेके चला जाऊंगा, और तीसरे केस में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टेयर केस का स्ट्रक्चर, ऐसे पाथ के अलोंग लेकर जा रहा हूं। अगर तीनों केसेस में वर्क डन की वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशन फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर की होंगी, राइट? केस वन, यस सर। केस टू, केस थ्री। सबसे पहले केस वन, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहां वर्क डन कितना होगा एम जी एच, क्यों? क्योंकि यहां पे इसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स एम जी, हमारी जो अप्लाइड फोर्स है एफ वो भी किसके इक्वल होगी एम जी के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट हमने कितनी दी एच, तो वर्क डन इन केस वन इज इक्वल टू एम जी इंटू एच इंटू कॉस जीरो, यानी कि सिंपली किसके इक्वल हो गया एम जी एच के इक्वल, राइट? लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन। क्लियर हो गए? यस सर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, हाँ वही 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 वर्क डन ही तो कैलकुलेट किया था, वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? तो लेकिन वर्क हमने किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया ना। अब यस इंक्लाइंड सरफेस है और मान लो इस सरफेस की लेंथ है एल, अल्टीमेटली हमें इसको हाइट एच पर ही लेकर जाना है। अगर मैं ये राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूं तो ये हाइट कितनी आ रही है, एच आ रही है, ठीक है? एच और एल का रिलेशन अगर मैं निकालूं, अगर ये एंगल थीटा है तो फॉर श्योर एच अपॉन एल किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए, साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड इट सो यस नो? यस सर, यस सर। तो मैं लिख सकता हूं एच अपॉन साइन थीटा। अब मान लीजिए इस बॉडी को यहां लेके जा रहा हूं, तो देखिए हमने पहले भी बार बार रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में भी ये चीजें डिस्कस की हैं। इस बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स एम जी, ये अगर सरफेस का नॉर्मल मैं ड्रॉ करूं तो एंगल ये भी थीटा होगा, यहां वेट का एक कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, और यहां वेट का एक कंपोनेंट है दैट इज एम जी साइन थीटा, राइट? अब आपको कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, मिनिमम कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एम जी साइन थीटा के बराबर ही अप्लाई करनी पड़ेगी, इजंट इट सो? यस सर। अभी यहां फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे, वो नॉन कंजर्वेटिव है, हमारा सरफेस ये स्मूथ है, तो एनीवे हालांकि यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा बट हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। एनीवे अब वर्क डन इन केस टू अगर मैं डिटरमिन करूं, वर्क डन इन केस टू तो ये होगा अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एल इंटू कॉस जीरो, राइट? फोर्स इज एम जी साइन थीटा इंटू एल कॉस जीरो वन हो गया, एल की वैल्यू एच अपॉन साइन थीटा है, तो ये एम जी साइन थीटा इंटू एच अपॉन साइन थीटा कैंसल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इन केस टू इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी एच हो गया कि नहीं, फिर से लेट इट बी क्वेश्चन नंबर टू। सर एक चीज पूछी है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हमने तो एल लिखा ना, हाँ हाँ सर, तो उसको एच क्यों नहीं लिखा, अभी हम बात कर रहे थे ना कि एच लिखेंगे तो इसको एच, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितनी है ये बताओ ना मुझे आप। सर एल ही एल है कि नहीं? यस सर। टर्म्स में और उसी L के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है, mg sin थीटा। यस। तो L के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज mg sin थीटा।
तो एम जी साइन थीटा अगर मैं फोर्स लूंगा तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, एल से। एम जी साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना मुझे एल से, वही हमने किया, हमने एम जी साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एल से। बस आंसर बाद में एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच पुट की है, बस और कुछ भी नहीं किया, एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच पुट की, क्योंकि पहले आंसर हमने पहले वर्क डन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच निकाली थी, तो हमने सोचा अब भी इन टर्म्स ऑफ एच लिखें इसको, तो वो आ गया एम जी एच। ओके सर, ठीक है, पहले तो एम जी साइन थीटा इंटू एल आ रहा है, और वैसे भी आप दूसरे तरीके से देख लो, एल साइन थीटा इज एच, यहां से अगर आप देखो एल साइन थीटा एच, तो आप सीधा भी एल साइन थीटा की जगह एच लिख सकते थे। एनीवे वर्क डन तो अब भी कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ एच, ही आ गया एम जी एच। क्लियर? यस। ओके, अब फिर से हमें जाना है हाइट एच पे, लेकिन अब की बार ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, इसमें हर एक स्टेप की हाइट है लेट अस से एच डैश, और हर एक स्टेप की विड्थ है लेट अस से एक्स या डब्ल्यू, कुछ भी ले लो। तो देर आर, लेट अस से देर आर एन नंबर ऑफ स्टेप्स, हाउ मेनी स्टेप्स आर देर, देर आर एन नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इसका मतलब ये हो गया अगर एन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन इंटू हाइट ऑफ वन स्टेप, हाइट ऑफ वन स्टेप इज एच डैश, तो एन इंटू एच डैश किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। यस सर, अब हमने इस बॉडी को जब यहां से वहां तक लेके जाना है, हाइट यहां तक, तो पहले हम इसको यहां लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, तो डाउनवर्ड फोर्स है इसका वेट, तो ये अप्लाइड फोर्स भी किसके इक्वल होगी, इसके वेट के इक्वल। फिर ऊपर से इधर लेके जाना है, फिर यहां से ऊपर, फिर इधर, तो इन्हीं स्टेप्स में हम इसको लेकर जाएंगे। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन इन क्लाइंबिंग वन स्टेप, वर्क डन इन क्लाइंबिंग वन स्टेप, एक स्टेप क्लाइंब करने का वर्क डन कितना होना चाहिए। तो बेटा देखो, एक स्टेप क्लाइंब करने में इसको जो वर्क डन करना पड़ रहा है, एम जी एच डैश इंटू कॉस जीरो, फोर्स लगाई एम जी, डिस्प्लेसमेंट होगी एच डैश, एंगल कितना था दोनों के बीच में, जीरो, राइट, यस ऊपर लेके गए। फिर हमने उसको ऐसे लाए, तो यहां फोर्स तो उतनी थी, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, लेकिन थीटा 90 डिग्री हो गया कि नहीं, फोर्स ऊपर को एक्ट कर रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे है एक्स, ये वाले जो एक्स वाला पार्ट है, तो वहां थीटा 90 हो गया, यस सर, तो ये कॉस 90 जीरो होता, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो ये सिंपली आ गया एम जी एच डैश। ये हो गया वर्क डन इन क्लाइंबिंग वन स्टेप। तो अगर मुझे नेट वर्क डन चाहिए तो बेटा नेट वर्क डन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू इन केस थ्री, तो मुझे एन टाइम्स एम जी एच डैश करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेप को वर्क यस सर, डन ये था, तो ये हो गया एम जी इंटू एन एच डैश, और ऑलरेडी हमने लिखा हुआ एन इंटू एच डैश इज एच, तो ये फिर से क्या हो गया एम जी एच। सो वर्क डन इन केस थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी एच, लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ यू कैन राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, वी कैन कंक्लूड दैट ग्रेविटेशन फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, बिकॉज तीनों केसेस में वर्क डन बराबर आ रहा है एम जी एच। क्लियर हो गया ये सबको? यस सर, यस सर, चलिए तो यहां हमने सर ऐसे ही प्रूफ करना है क्या सर, जो आपने एग्जांपल दी, फ्रिक्शन की एग्जांपल दी सर, उसको भी प्रूफ करना है? नहीं, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। देखो एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम किसी कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो आपका वर्क बर्बाद नहीं होगा, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि वर्क करने के लिए आपने एनर्जी खर्ची है, जो एनर्जी आपने खर्ची है वो आपको दोबारा वापस मिल सकती है। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बॉडी को हाई टच पे लेके गई, ये पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, एनर्जी सेव्ड है कि आपको वापस मिल सकती है। लेकिन जब भी आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट, किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो एनर्जी वहां पे भी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मगर पोटेंशियल में नहीं, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं तो आप देखते हैं बॉडी में सर्फेसिस हीट अप हो जाते हैं, तो वो जो आप वर्क कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो रहा है, जब वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपको वापस नहीं मिल पाएगा, आप हीट से वापस उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे।
यहां पे मैं इसको लेके गया, ये पोटेंशियल थी, वापस मुझे मिल जाएगी मैकेनिकली, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर मैं इसको कहीं और यूज कर सकता हूँ। तो कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट जब भी आप वर्क करते हो तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, अगर आप फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो। अगर कंजर्वेटिव फील्ड वर्क करता है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करती है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है इफ वर्क इज डन, इफ वर्क इज डन बाय अ कंजर्वेटिव फील्ड, बाय अ कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क इज डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स और अ कंजर्वेटिव फील्ड, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। इफ वर्क इज डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप काम करोगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ग्रेविटी के केस में आप ले सकते हैं, आप बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन अगर ग्रेविटी काम करती तो ये इस बॉडी को नीचे लेकर आती, जब ये बॉडी को नीचे लेकर आएगी तो पक्की बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और फॉर्मूला भी तो यही कह रहा है, एमजीएच ही तो है फॉर्मूला। क्लियर? यस सर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है इस साल एमसीक्यूज में आपसे भी पूछ लिया जाए, डेल्टा यू, डेल्टा यू हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर तो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसका नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, और डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया तो जितना वर्क किया उतनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर सिस्टम ने वर्क किया तो जितना वर्क किया उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो यहां से बॉडी को उठा के मैं ऊपर ले गया, मैंने 10 जूल का वर्क किया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 10 जूल आई कि नहीं? Yes. मैंने नीचे से बॉडी को ऊपर उठाया, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, सिस्टम कौन सा है, ग्रेविटी का, मैं उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, तो मैंने अगर प्लस 10 जूल का वर्क किया तो बॉडी की एनर्जी भी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसमें चेंज आ गई प्लस 10। लेकिन अगर ग्रेविटी वर्क करती है इसको ऊपर से नीचे लेकर आ गई, या सॉरी पहला वाला केस ही लेते हैं, मैं ऊपर लेके गया, मैंने प्लस 10 जूल का वर्क किया तो बॉडी की एनर्जी, मेरा डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना है, डब्ल्यू एक्सटर्नल अगर 10 जूल हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 10 जूल ही होगी। लेकिन इसी दौरान अगर मैं ग्रेविटी का वर्क पूछूं, मेरा तो 10 जूल था तो ग्रेविटी का कितना था, माइनस 10। हाँ, तो ग्रेविटी का वर्क डन माइनस 10 था, तो माइनस ऑफ माइनस 10 फिर से क्या हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा, बात तो एक ही हुई कि नहीं? सो माइनस ऑफ माइनस में क्या, अरे वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस 10 है ना, ये नेगेटिव साइन तो फॉर्मूले का है, किया उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिस्टम का वर्क है माइनस 10 तो उसका नेगेटिव कितना हो गया प्लस 10, तो प्लस 10 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिस्टम पॉजिटिव वर्क करता, अगर अर्थ उसको नीचे खींचती बॉडी को, तो मान लो अर्थ ने 10 जूल का वर्क कर दिया प्लस 10 का, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस 10 हो जाएगी, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है? यस सर। सिंपल वर्ड्स में एक चीज याद रखिए बेटा, जो चेंज अपने आप हो जाए, जो चेंज अपने आप हो उसमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अपने आप मतलब कोई सिस्टम चेंज ला रहा है, कोई कंजर्वेटिव फोर्स, कोई कंजर्वेटिव सिस्टम इसमें रोल प्ले कर रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, जो चेंज जबरदस्ती लाई जाए उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। रबर बैंड को स्ट्रेच करना है तो जबरदस्ती, स्प्रिंग को कंप्रेस करना है तो जबरदस्ती, स्ट्रेच करना है तो जबरदस्ती, बॉडी को हाई टच पे लेके जाना तो जबरदस्ती, तो जो भी चेंजेस आप जबरदस्ती ला रहे हैं उसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जो चेंजेस अपने आप हो जाएं, बॉडी को हाई टच पे छोड़ा नीचे अपने आप आ गया, स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ा वापस अपने आप आ गया, स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ा वापस अपने आप आ गया, उन सभी चेंजेस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, जो चेंज अपने आप हो जाए उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, जो चेंज जबरदस्ती लानी पड़े उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद बेटा जी एक और फॉर्मूला है,
तो जैसे मैंने बोला कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में एक फॉर्मूला है, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस DU/DR। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है, एफ इज इक्वल टू माइनस DU/DR, इट इज रेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वैसे भी अभी अभी मैंने आपसे कहा था ये डेल्टा यू क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डेल्टा यू को अगर मैं डी यू लिखूं तो वर्क डन बाय द सिस्टम, फोर्स अगर एफ है तो फोर्स इंटू DR, DR अगर डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस एफ DR क्या होगा, DU। DR को नीचे ले आओ और नेगेटिव साइन यहां ले आओ, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस DU/DR। यस सर नो? यस सर, सर इसमें स्मॉल चेंज कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ, सर डी स्मॉल यू के नहीं लिए, सर। क्योंकि डिफरेंशिएट भी करना ना हम इसको डेरिवेटिव के टर्म्स में कन्वर्ट करें, तो स्मॉल के लिए होगा, डेरिवेटिव आ रहा यस है। जैसे मान लो ये तभी होगा जैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है 6R² + 7R, तो आपसे पूछा गया कितनी फोर्स ऑपरेट कर रही है, तो माइनस DU/DR। आप इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो ये, और नेगेटिव साइन भी लगाना है, तो ये आ जाएगा 12R + 7, -12R + 7 N, इतनी फोर्स यहां पे एक्ट कर रही होगी। क्लियर? यस सर, और कभी कभी ऐसा होता है फोर्स 3 डायमेंशन में एक्ट कर रही है, तो फोर्स के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा माइनस, ये सिंबल बेटा डेल कहलाता है, डेल डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डी नहीं है, ये होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। अब डेल किस चीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव को। बताया था मैंने कभी पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? नो देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, मान लीजिए एक फंक्शन है ए इज इक्वल टू x³ + y³ + z³ + 2xy + 3xyz, ठीक है। अगर मैं बोलूं डेल ए अपॉन डेल एक्स, तो आप इसको पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने क्या करना है एक्स को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। अब ये क्लास खत्म होगी तो यहीं पे कंक्लूड करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। तो एक्स को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, तो x³ का डेरिवेटिव 3x², वाई को अगर कांस्टेंट मानोगे तो उसका डेरिवेटिव 0, जेड कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, यहां पे वाई कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मानना है एक्स को छोड़ के बाकी सबको, 2y और x² का डेरिवेटिव 2x प्लस यहां पे 3yz आ गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। वैसे अगर मैं करूं डेल ए अपॉन डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई को छोड़ के एक्स और जेड को कॉन्स्टेंट, अगर एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, y³ का 3y², z³ का 0, अब 2x² कोफिशियंट आ गया इसका और वाई का डेरिवेटिव 1, तो +3xz और y का डेरिवेटिव 1। इसी तरह से अगर आपको डेल ए अपॉन डेल जेड करना हो